सो ही गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लाया पार्ट टाइम वर्क, जिसे आप यूज करके बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग यहां पे करने वाले हो। इसमें करना क्या है, केवल आपको कॉपी पेस्ट करना है और कॉपी पेस्ट करके आप इनकम जो है कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पार्ट टाइम वर्क है। आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पार्ट टाइम वर्क है, जिसमें क्या है कि आप अपना कॉलेज भी देख लेंगे और अर्निंग भी कुछ अच्छी खासी कर लेंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है कि पार्ट टाइम वर्क के चक्कर में ही कुछ लोग जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट पार्ट टाइम वर्क, तो उसमें से बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से हर एक वेबसाइट जेन्युइन नहीं होता है और हर एक वेबसाइट आपको पैसा नहीं देता है। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आपको काम करा लेंगे, पास पैसा नहीं देंगे। तो अगर आप एक ट्रस्टेड और जेन्युइन वेबसाइट खोज रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप काम भी करो बढ़िया से और अच्छा खासी पेमेंट भी मिले और पाओ, तो ऐसा मैंने पार्ट टाइम आपके लिए एक वर्क लाया है। तो कैसे क्या करना सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं फोन स्क्रीन पर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं अभी अपने फोन स्क्रीन पे हूँ, और ये वेबसाइट जो अपने आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो, फोन पे भी यूज कर सकते हो, है ना, दोनों डिवाइसेस पे आप इसे यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं फ़ोन पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ताकि बहुत से लोगों के पास फ़ोन ही रहता है, सबके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप नहीं रहता है। यहाँ पर आपको पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड इन हावर बहुत सारे यहाँ पर आपको वर्क देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि जिस तरह से आप अगर फुल टाइम करना चाहे तो फुल टाइम भी कर सकते हो इसको, है ना, और पार्ट टाइम करना है तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर हमको कर लेना है। एंड डेस्कटॉप साइट पे जैसे हम यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इसको जूम करना है एंड यहाँ पे इस वाले बटन पे हमको क्लिक करना है। एंड इस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद साइनअप करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट नेम डालेंगे एंड लास्ट नेम डालेंगे एंड यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी बनाएंगे, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालेंगे जो भी आपके पास ईमेल आईडी है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपन पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग डालना है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट सब मिला कर और एक सिंबल मिला करके यहाँ पर डालना है, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट कन्फर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड दोबारा डाल करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो इतना सारा कुछ करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और इसमें आप लॉगिन हो जाओगे। एंड यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरह का वो दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन का बटन, लॉगिन का बटन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला था उसको यहाँ पे डालोगे एंड ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको वही डाल देना जो आपको डाले थे, है ना, कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है, तो मेरा कोई कंपनी है, इंडिविजुअल है, तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक कर नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करूँगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं भी डाल सकते हो। बट यहाँ पे मैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस डाल देता हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी देगी तो बहुत ही कम कंपनियाँ ऐसे होती हैं जो जीरो एक्सपीरियंस वालों को काम देती हैं, मतलब मिलता है काम लेकिन बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये है ना। तो यहाँ पर ईयर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर फिर मंथ सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर मैं मंथ में 2 कर देता हूँ एंड 1 ईयर 2 मंथ का एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब जिस तरह का था आप वर्क करना चाहते हो, लाइक यहाँ पर फुल टाइम वर्क है और यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क है, तो फुल टाइम वर्क में आपको 40+ आवर्स मिलेगा प्रति वीक और पार्ट टाइम वर्क में आपको 20+ आवर्स मिलेगा पर वीक। यहाँ पर मैं जो ये वाला पार्ट टाइम, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इतना करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्किल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपी पेस्ट का, तो यहाँ पर एंड जैसे मैंने कॉपी लिखा तो यहाँ पर कॉपी टाइपिंग आ गया, तो कॉपी टाइपिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी टाइपिंग में एंड यहाँ पे अपडेट माय प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करता है एंड यहाँ पे जैसे आप अपडेट माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो प्रोफाइल जो है अपडेट हो चुका है। अब आपको सेटअप करना है, सबसे पहले यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर आपको जाना है एंड एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। अब फोटो वैसा अपलोड करना है, कोई सेल्फी फोटो नहीं अपलोड करना है, कोई एक प्रोफेशनल फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर डिस्प्ले नेम आपको डालना है, आपका नाम डालना है एंड यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कंपनी अगर आपको काम देने के लिए आए तो यहाँ पर वो इतना अमाउंट अफोर्ड कर पाएगा, है ना, तो उतना अमाउंट आपको डालना है मीडियम। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, तो जेंडर मैं अपना सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपको प्रोफेशनल टाइटल डालना है, यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, यहाँ पर योर स्किल्स में एक बार और यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कॉपी पेस्ट का, अगर आपको काम करना है तो कॉपी पेस्ट यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, जैसे कॉपी टाइपिंग है तो यहाँ पर कॉपी टाइपिंग का है। और उसके बाद डाटा एंट्री का, तो यहाँ पर डाटा एंट्री भी आपको लिख सकते हो
जैसे कि यहाँ पे डाटा एंट्री है, अगर आप यहाँ पे प्राइमरी इसको सिलेक्ट करने देंगे एंड यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन छूट जा रहा है जो कि है अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में यहाँ पे आपको कुछ लिखना है और आपके काम के बारे में, क्या आप कौन सा वर्क करते हो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। जिससे क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर आपको वर्क देने के लिए आती है सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखती है, उसके बाद ही आपको काम मिलता है ना, तो अपने बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, सेव का बटन पर क्लिक करना है एंड जैसे आप सेव क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे जाना है, उसको फिर आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप सारा कुछ सेटिंग, अब यहाँ पर सारा कुछ सेटिंग हमने कर लिया है, अब यहाँ पर आपको काम कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर फाइंड जॉब का ऑप्शन दिख रहा है, फाइंड जॉब पर क्लिक करेंगे एंड फाइंड जॉब पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जॉब देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा के भी जॉब आप खोज सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा कॉपी टाइपिंग, तो यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारे यहाँ पर कॉपी पेस्ट का बहुत सारे मतलब वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे माय प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पर ये जो कॉपी पेस्ट वाला है अभी 2 दिन पहले ही अब ये काम जो है, ये वर्क जो आया है और यहाँ पर 1000 रुपये आपको दिया जाएगा, है ना, इस काम को करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर इसको हावरली आप चाहते हो तो हावरली भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये वाला वर्क जो है जो कि 100 रुपये पर हावर आपको मिल रहा है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो कि आपको हावरली अच्छा खासा पेमेंट दे देते हैं और कुछ वर्क ऐसे हैं जो कि आपको एक ही बार पेमेंट मिल जाता है ना। तो जिस तरह का उस तरह से यहाँ पर काम जो आप देख सकते हो, तरीके से अगर आप आईटी फील्ड में देखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर उसका काम देख सकते हैं। जैसे कि यह पहला वाला है ग्राफिक डिज़ाइन, इसका भी है राइटर है, राइटर कंटेंट है, बहुत सारे यहाँ पर वर्क आपको दिए हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कुछ इस तरह का है, सारा कुछ कैटेगरीज बनाया हुआ, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर जो चूज करके काम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हाई बजट का चाहिए तो हाई बजट का काम मिलेगा, पॉपुलर जो सबसे पॉपुलर काम मिल रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर एकदम लाखों बथेरे यहाँ पर काम आपको देखने मिलने, तो बहुत सारे काम है यहाँ पर जिस तरह से उस तरह से यहाँ पे कर सकते हो और पैसे जितना चाहो उतना अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। अगर आपको पेमेंट लेना है तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल वाले पिक्चर पे क्लिक करना है, पेमेंट पे क्लिक करना है एंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जो भी आपको पैसा कोई भी बंदा भेजेगा तो यहाँ पर आपके वॉलेट में सेव हो जाएगा, उस पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जो आपका नाम पड़ेगा एंड नाम डालने के बाद आपका पैन कार्ड नंबर पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालोगे, नहीं है तो इसको हटा दोगे एंड स्टेट से लगना है एड्रेस लगा हुआ सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ इसको सेव कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे अगला पेमेंट वाला में थोड़ा आ जाएगा, तो पेमेंट में अपना अकाउंट नंबर डाल करके आप पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन वेबसाइट गाइस, अगर इसको अगर आप यूज नहीं किए अभी तक जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर इसे यूज़ कर सकते हो। इस साइट का नाम है trulancing.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, trulancing जाकर आप सर्च करो trulancing.com तो आपको क्रोम ब्राउज़र मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।